हेलो एवरीवन, मैं रमणी रनन परफेक्ट कुकरी से आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप घर में बना सकते हो आराम से और अपने बच्चों के लिए हेल्दी कुकीज़ बना सकते हो। जीरा कुकीज़। जीरा कुकीज़ के लिए हमें ये इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। मैदा 1 कप, 1/4 कप बटर, 1/2 कप सॉल्ट, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून। चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। मक्खन जो है इट शुड बी सॉफ्ट नॉट मेल्टेड। थोड़ा सा हल्का सा माइक्रो करके इसको सॉफ्ट कर लो। हार्ड होगा तो भी अच्छे से नहीं आप बना पाओगे। और ये हमारे पास जो मक्खन है मेरे को 75 ग्राम्स चाहिए। ये मक्खन है इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, टेक्सचर देना है। और इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी शुगर, 1/4 कप शुगर अच्छे से। चाहे तो आप बीटर से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। लाइट हो गया टेक्सचर इसका। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा एंड सॉल्ट। सॉल्ट अबाउट 1/4 से भी मैंने हल्का सा कम डाला है क्योंकि हमारा बटर भी सॉल्टी है। अगर आप वाइट बटर के साथ बना रहे हो तो 1/4 टीस्पून सॉल्ट चलेगा इसके अंदर। अब हम इसमें डालते हैं धीरे धीरे करके मैदा। धीरे धीरे करके हम मैदा डाल रहे हैं इसके अंदर। दूध अबाउट 2 टेबलस्पून दूध के डालूंगी इसमें मैं, और इसको इकट्ठा कर लेते हैं हम रेसिपी को। इसको अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि इसका हमें डो बनाना है। अब हम इस पे डाल देते हैं डो को, इकट्ठा करेंगे। अब इस डो को मैं बेलूंगी, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये डो जब हमारे गर्मियों में हमें फ्रिज में रखना आधा घंटा, और फिर हम इसको रोलिंग पिन से रोल करके देन कटर से काट के करेंगे। पर अभी विंटर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी टाइम इसको डो को बना के उसी टाइम हम कुकीज़ बना सकते हैं। अब मैं इसको नीचे मैदे के साथ, ताकि वो नीचे चिपके ना, और इसको हम, ये मैंने बेलन बड़ा वाला लिया, आप नॉर्मल बेलन से भी कर सकते हो। बेलते हुए प्लीज आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब हम बेलते हैं ना कुकीज का डो, तो इसको प्रेशर ऐसे करके दबा के नहीं देना है, नॉर्मली जो चारों तरफ से इवन बेला जाए। और इसको हम 1/4 इंच थिकनेस रखेंगे इसकी, 1/4 से भी कम, 1/8 इंच थिकनेस। मोटे, बहुत मोटे कुकीज भी अच्छे नहीं लगते, और अगर हम इनको बहुत पतला करेंगे तो वो भी अच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल पापड़ी बन जाएंगे। तो हमें इसको इतना थिकनेस रखनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इससे हम काटेंगे कटर से। कटर आप कोई भी यूज़ करो, स्क्वायर करो, ट्रायंगल करो, जैसा आप ले रहे हो। एक कुकी बड़ा कटर से काट के साथ एक ट्रे में बेक करोगे तो वो कुकीज़ को टेम्परेचर एक जैसा चाहिए। छोटे कुकीज़ हैं तो पूरा छोटा एक ट्रे में डालो, बड़े कुकीज़ लेते हो तो बड़े कुकीज़ एक ट्रे में अलग बेक करो। अब हम इसको थोड़ा सा प्रिक करेंगे कुकीज़ को। अगर हम प्रिक नहीं करेंगे तो ये फूल के ऊपर आ जाएंगे, एकदम पूरी की तरह फूल जाएंगे। अब हम कुकीज़ को बेक के लिए 180 डिग्री पे 15 से 18 मिनट के बीच में बेक करेंगे।